हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारे देश में भी मच अवेटेड वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट, वाटर टैक्सी सर्विसेज की शुरुआत हो गई है। इस सर्विस का वर्चुअल उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और देश के केंद्रीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल के द्वारा वर्चुअली किया गया। इस वाटर टैक्सी के शुरू होने से मुंबई और नई मुंबई के बीच की दूरी, जो ट्रैवलिंग टाइम होता था पहले 1.5 से 2 घंटे के आसपास लगता था, तब काफी हद तक वो घट के 45 मिनट पे आ जाएगा। मुंबई से नई मुंबई की दूरी तो कम हो ही जाएगी। इसके अलावा अगर आप नई मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया घूमने के लिए आते थे, अपने दोस्तों की से अपनी फैमिली अपने रिश्तेदार को घुमाने के लिए लाते थे, तो उसमें भी काफ़ी समय लगता था। लेकिन अब इस नए सर्विस के थ्रू आपको ये समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। केवल 40 से 45 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे से 40 मिनट तक ही लगेगा और आप एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से आ सकते। रोड के रास्ते से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें पता कितना ट्रैफिक को झेल के तब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचना होता है। कई बार अगर आप पीक ऑफिस आवर्स में अगर आप निकल गए तो सुभान अल्लाह, फिर तो आप जानते हैं कि आपको एक समय एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन ये वाटर टैक्सी के शुरुआत के बाद आई एम श्योर कि बहुत हद तक हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। हालांकि पैसे वाइज, खर्च वाइज ये कितना इकोनॉमिकल है, कितना महंगा है, इस ये चीज़ डिपेंड करती है आप सबके अपने ऊपर। हिंदुस्तान में ये वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत तो अभी हुई है, लेकिन विदेशों में ये काफ़ी देशों में ये चीज़ पहले से है, अलग अलग नाम से है। जैसे कि इटली में, इटली के वेनिस शहर में आप देखें तो वहाँ पे टैक्सी है, कोई मोटोस काफ़ी के नाम से है। यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में भी ये चीज़ें ऑलरेडी है, अलग अलग नाम से है वहाँ पे। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया और मांडवा के बीच में ये फेरी सर्विसेज पहले से मौजूद है, लेकिन मानसून के सीजन में इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता था, इसीलिए ये वाटर टैक्सी सर्विसेज मुंबई ट्रांसपोर्ट को, मुंबई ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करने वाली है। दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे कंजेशन कैसा है, ये एक रिपोर्ट में हमें मालूम पड़ता है जिसका नाम है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स। इसी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमें यह मालूम पड़ता है कि मुंबई अभी दुनिया के टॉप 5 कंजेस्टेड सिटीज में से एक है ट्रैफिक के मामले में। इसी रिपोर्ट से ये भी मालूम पड़ता है कि हर एक मुंबईकर के साल के 121 घंटे ट्रैफिक में बस फंसे होने की वजह से वेस्ट होते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इस तरह की सर्विस की शुरुआत की कल्पना आज से 30 साल पहले 1983 वाले दशक में कर चुकी थी और वहां से गवर्नमेंट काम कर रही थी इसके पीछे। हालांकि समय लगा, टाइम लगा, लेकिन चीज़ें अब जाके ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड सब कुछ इफेक्टिव दिख रही हैं। और इस वाटर टैक्सी के सर्विस को यूज़ करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे, एक बोट के, दूसरे स्पीड बोट के और तीसरे कैटामारन सर्विसेज के। फेयर की अगर बात करें तो DCT डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से बेलापुर तक की एक शेयर्ड वाटर सर्विस में आपको पे करने होंगे 1210 रुपये, और सेम वाइस वर्सा होगा। और अगर आप DCT से धर्मतार की तरफ जा रहे हैं तो आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे और टाइम कंजप्शन ये लगभग लगभग 45 से 55 मिनट के आसपास ही लगेगा। DCT से JNPT जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड ट्रस्ट है, वहां तक आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे और ट्रैवलिंग टाइम केवल 20 मिनट रह जाएगा। DCT से करांजा, इसके फेयर होंगे लगभग लगभग 1200 रुपये और ट्रैवलिंग टाइम 45 मिनट होगा। DCT से कान्होजी आंग्रे तक आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और सिमिलरली CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बेलापुर से नेरूल तक का फेयर जो होगा वो है 1100 रुपये और जो ट्रैवलिंग टाइम है वो रह जाएगा केवल 30 मिनट। कैटामारन सर्विस वाली जो टैक्सी होगी उस पर आपको खर्च हालांकि बहुत कम लगेगा, लगभग लगभग 290 रुपये के आसपास में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फ़ायदा है, कितनी बचत होगी, क्या महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम में कितनी बचत होगी, कितना ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ दे सकते हैं, आप अपनी चीज़ों पे दे सकते हैं, आप अपने नई चीज़ों को सीखने में दे सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा आप समझ सकते हैं। ये तो थी सर्विस और इसके डिटेल्स। अब जानते हैं इसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे, जैसे कि नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमें करने होते हैं। आपको अपने डिपार्चर पॉइंट पे डिपार्चर टाइम से 1/2 आवर पहले पहुंचना होगा फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। नेक्स्ट, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो डिपार्चर गेट्स हैं, बोर्डिंग गेट्स हैं, वो 10 मिनट पहले बंद हो जाएंगे डिपार्चर के। हर एक ट्रैवलर को अपना वैलिड ID कार्ड अपना रखना होगा, अपना मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक बार टिकट बुक होने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं, ना आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इस सर्विस में पर टिकट की बुकिंग पे आपको 10 kg का लगेज अलाउड मिलेगा, मतलब 10 kg तक का लगेज आप फ्री अपने साथ कैरी कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 kg से ज़्यादा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पर kg 1000 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। जी हाँ, हर 1 kg, 10 kg से ऊपर हर 1 kg पे 1000 रुपये। और सबसे ज़रूरी बात, स्मोकिंग, थूकना, स्पिटिंग
और च्युइंगम खा के इधर उधर फेंकना, टोबैको खाना और अल्कोहल कंजप्शन, ये सारी चीज़ें फॉरबिडन है, मना है, रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होंगी आपको हमें बोर्ड्स पे और टर्मिनल्स पे दोनों जगहों पे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।